तो मेरी पाव भाजी की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये मैंने थोड़ी सी सब्जियां काट ली है, ये है कैरेट और थोड़े आलू, थोड़ी सी कैप्सिकम और इसके नीचे है बीटरूट। तो सब्जी शॉपिंग के बाद मैं आ गई हूँ पाव खरीदने के लिए और इसके लिए मैं पहुँची हूँ सिंधी कॉलोनी। सिंधी कॉलोनी एक बहुत ही बड़ी मार्केट है जहाँ पर आपको हर तरह की दुकान मिल जाएगी, इसीलिए मैं पाव खरीदने के लिए यहीं आती हूँ। तो मैं आ गई हूँ घर एंड इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सामान कैरी करने के लिए बहुत ज़्यादा था क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने सब सारी सब्जियां जितनी पॉसिबल थी वो ले ली मैंने। और मैंने क्या क्या लिया है आप भी देख लीजिए। तो ये ले लिए है मैंने सारी सब्जी इसके अंदर, ये है पाव, दो पैकेट पाव 30 रुपीज़ ईच है, तो ये काफ़ी अच्छे पाव मुझे लग रहे हैं। हालांकि मैं पहली बार लेके आई हूँ इस तरह के, नहीं तो हम दूसरे फ्रेश बेकरी से लेके आते हैं लेकिन वो मुझे मिले नहीं तो मैंने इसलिए ये वाले ले लिए। और ये थोड़ी सब्जी लाई हूँ, टमाटर है, गोभी है, धनिया कॉम्प्लीमेंट्री मिला है मुझे और बाकी सारी सब्जियाँ इसके अंदर जैसे अदरक लहसुन वगैरह। और ये जो मैंने सब्जी सुबह ली थी इसमें नींबू है, गाजर है और थोड़ी सी हरी मिर्च। और ये थोड़ा सामान है, बटर है और साथ में पाव भाजी मसाला है और कसूरी मेथी है और साथ में थोड़े से आलू प्याज हैं। तो कुल मिला के ये सामान मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं इसको बहुत मुश्किल से लेके आई हूँ, लेकिन टेस्ट के लिए और कुछ नया करने के लिए कुछ भी मंजूर है। तो चलिए पाव भाजी की तैयारी हम शुरू करते हैं। तो मैं सुबह से बाहर निकली हुई थी और मुझे नहीं लगा था कि आज इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी मार्केट दूर है और मैं पैदल गई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। इसी चक्कर में आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया, बस आके जस्ट मैंने अभी पानी पिया है और सुबह मैंने थोड़े बहुत फ्रूट्स खाए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले नाश्ता कर लिया जाए क्योंकि पाव भाजी बनने में भी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पहले उस सब्जियों को सारा मैश करना पड़ेगा और वो काटना वाटना पड़ेगा तो उस वजह से बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं इसी बीच में जो है अपना नाश्ता बनाऊंगी और साथ ही आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है अपने आगे आने वाले व्लॉग्स के लिए। मैंने मंगवाया है, ये ऑनलाइन मंगवाया है मैंने नियरली 350 टू 400 के बीच में, और ये है डीवी ट्राइपॉड मैंने मंगवाया है। इससे व्लॉग शूट करने में आसानी होती है क्योंकि मोस्टली मैं अकेली होती हूँ तो अकेले व्लॉग शूट करने में इजी रहता है अगर साथ में ऐसा छोटा सा कोई ट्राईपॉड हो। तो मैं आपसे इसी से वीडियो शूट करूँगी और देखते हैं कि इससे जो वीडियोज़ हैं उसको बनाने में कितनी कन्वीनियंस यानी आराम होता है। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बाद में आपको इसका रिव्यू दूंगी। तो मैं ब्रेकफास्ट में आज बनाने वाली हूँ ऑमलेट। ये ऑमलेट मैं बनाती हूँ आजकल हर रोज क्योंकि मैं एक ही एक चीज खा के बोर हो जाती हूँ, तो इसीलिए आजकल मेरे जो फेवरेट बन गए हैं वो है ये। और मैं आज बनाऊंगी अभी थोड़ी देर में ऑमलेट जिसमें मैं क्या क्या सब्जियां डालूंगी उसमें मैं सिर्फ ये दो चीजें डालूंगी और बाकी मुझे कुछ भी पसंद नहीं है मिर्च वगैरह लाल मिर्च डालना और बाकी प्याज वगैरह आई डोंट लाइक इट एट ऑल। तो इसीलिए मैं बनाऊंगी सबसे पहले ऑमलेट और उसी के साथ साथ में हमें तैयारी भी करनी होगी पाव भाजी की ताकि वो भी टाइमली बन सके क्योंकि आपको पता है कि पाव भाजी में या कोई भी चीज बनानी होगा तो उसमें धीरे धीरे करके भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम काट लेते हैं थोड़ा सा टमाटर और उसके साथ में ही हरी मिर्च।
और ये मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा और क्रीमी सा हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी और बढ़िया आती है अगर थोड़ा सा दूध डाल दें इसमें। तो तवा काफी गर्म हो चुका है, थोड़ी सी देर हो गई लगता है। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, लेकिन मुझे अभी बहुत से काम करने हैं तो मैं इसको थोड़ी देर में खाऊंगी, लाइक 2-4 मिनट 5 मिनट में, क्योंकि मुझे ये जो सब्जियां आपको पीछे दिख रही है इन सबको काटना है और फिर पाव भाजी के लिए रेडी करनी है, क्योंकि जब तक मैं ये खाऊंगी तब तक पाव भाजी का कुछ ना कुछ काम तो हो ही जाएगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले काटने हैं टमाटर, तो चलिए फटाफट टमाटर काट लेते हैं।
तो मेरी पाव भाजी की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये मैंने थोड़ी सी सब्जियां काट ली है, ये है कैरेट और थोड़े आलू, थोड़ी सी कैप्सिकम और इसके नीचे है बीटरूट। तो ये ऑलमोस्ट सारी सब्जियां हैं जो कि आपके घर में ऑलमोस्ट मिल जाती है, अगर कोई नई भी हो तो आप नहीं डालिएगा। और ये है थोड़ी सी गोभी, इसमें थोड़ी सी मिट्टी थी इसीलिए मैंने इसको कई बार धो के अलग से काट लिया है। और इन सब्जियों को मैंने रफली चॉप किया है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हें होना है मैश, तो इसीलिए इन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपनी चॉइस से थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया है ताकि वो भी इसमें डाल सके, उससे अच्छा सा अरोमा आ जाएगा इसमें। और ये मैंने ग्रेट कर लिए हैं प्याज क्योंकि इनको तेल में जाना है तो इनके पकने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ग्रेट किया है। और साथ ही में मैं डाल रही हूँ टमाटर, ये मैंने 3 से 4 टमाटर इसमें डाले क्योंकि मुझे टमाटर ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे ग्रेवी अच्छी बनती है, तो मैं इसलिए हर चीज़ में टमाटर थोड़े ज़्यादा ही डालती हूँ। और ये है हमारा अमूल बटर जो जिसकी वजह से आज पाव भाजी बनने वाली है स्पेशल, और ये है एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला। तो चलिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने गैस पे रख दिया है कुकर को और इसमें सबसे पहले हम जो डालेंगे वो है बटर, तो चलिए डालते हैं इसको।